गुरुजी बहुत दिन हो गए कहीं घुमाने चलो। आराम कर ले खाट पे, पता चला मिले घाट पे, घूमने जाएगा। शर्म नहीं आ रही तेरे को? घर पे रेस्ट कर ले, पता चला रेस्ट इन पीस हो जाए। चल शुरू कर फटाफट। तो बच्चों मेरा क्वेश्चन है, हम आपने सुना होगा 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर सुना था, बड़ा अच्छा फॉर्मूला था सर, 20 बार बोला था, याद हो गया था। बच्चों बढ़ते हैं अब उसी सवाल की तरफ जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। सवाल आपको याद ही होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्यों होता है? होता है ये सब तो हमें सबको पता है, 11 से हम सुनते हुए आए हैं कि हाँ भाई ये एक फॉर्मूला है, रट लो इसे रट लो इसे रट लो इसे। पर बच्चों आज गुरुजी आपका ये भ्रम तोड़ने वाले हैं। अगर आपको ये भ्रम है कि ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको ऐसा रीजन देने वाला हूँ जिसमें जिसके लॉजिक से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला नहीं होता है, हम गलत फहमी का शिकार थे। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैं आपको इस फॉर्मूले के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं बस उसको रिलेट करने वाला हूं। आपको पता है कि इसका रीजन क्या होता है, पर वो एक फ्रेम में एक ढांचे के रूप में आपके सामने नहीं है, इसीलिए आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है। आइए देखते हैं। तो बच्चों आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट जब बताया था तो बातों बातों में मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि आपको पता भी है, इधर होता है सेल्स, उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक। अगर डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में आप तीन चार आइटम लिखते हैं। एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है आपका परचेज, फिर आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर आता है ग्रॉस प्रॉफिट, कैरेट डाउन। हम जो है ग्रॉस लॉस नहीं मान के चलेंगे क्योंकि हम लोग पॉजिटिव इंसान है, हम लोग नेगेटिव बातें नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें मैं माइनस सेल्स रिटर्न को भी इंक्लूड कर दे रहा हूं, मतलब ये नेट सेल्स है आपकी, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये भी परचेज माइनस परचेज रिटर्न। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो सीधे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दे रहा हूं। बच्चों एक बात बताओ, क्या इसके अलावा एक भी ऐसी चीज है जो यहां आती है? इसके अलावा कुछ भी है तो मुझे बताओ। नहीं, जोड़ते हैं इसे 15 मान लो, इसे कितना माने बताओ? अरे बोलोगे तो तब भी सुनाई नहीं देगा गुरुजी को, चलो 8 मान लो। ठीक है कितना हो गया? 23। बताओ इसे कितना माने? चलो एक दो तीन मान ले, क्या माने बताओ? 2 3 4, 4 और 3 7, और 2 9, 9 को माइनस करो 23 में से, कितना आएगा भैया? हाँ भाई कैमरामैन, देखो कैमरामैन को गिनती नहीं आती, यहाँ आएगा 14 आएगा, कितना हो गया 23। अब एक बार चेक कर ले कैलकुलेशन, चलो चेक कर ले रहे हैं, कैमरामैन कह रहे हैं चेक कर लो, 23 4 5 6 7 8 9 9 माइनस करा कितना आ गया? 14 आ गया। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या मैं इस फॉर्मेट को ऐसे नहीं लिख सकता? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? एक बात समझो, देखो इसकी वैल्यूज लिखता हूं मैं और समझते हैं। 15 8 2 3 4 14, जरा टोटल करो बच्चों, 2 + 3 5 + 4 9 9 + 14 23, उधर भी कितना हो रहा है 23 23 = 23, बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। आगे समझते हैं बच्चों, इतिहास गवाह है। क्या बोल रहे हो सर, हिस्ट्री के टीचर हो क्या? नहीं भैया अकाउंट का टीचर हूं, लेकिन इतिहास गवाह है। जब जब सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ है तो हमेशा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है। सर कौन सी भाषा बता रहे हो? बच्चों मैं ये कह रहा हूं, हमने कोई चीज कितने की बेची, अगर मैं आपको ये बता दूं और मैं ये बता दूं उसको उतनी की बेचने में मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ, तो आप माइनस करके बता दोगे ना उसकी कॉस्ट क्या थी? सर क्या बोल रहे हो, समझो। मान लो मैंने बोला कि मैंने कोई चीज 12 की बेची, 12 की बेचने में मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मुझे कितने की पड़ी होगी? 10 की। कैसे निकाला? सर 12 माइनस 2 का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सर कॉस्ट आ गई उस चीज की जो आपने सोल्ड की, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट आ गई उस चीज की जो आपने सोल्ड की, उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लॉजिकल है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्या ये रटने की जरूरत है या समझने की जरूरत है? समझने की, ऐसी कोई बात ही दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं इसे टेप देता हूं, पूरा इसे टेप देता हूं।
बच्चों अगर मैं इसे यहां ले आऊं माइनस में, तुम्हें कोई दिक्कत? पहली बात तो होनी नहीं चाहिए, और हो भी रही है तो भी लाऊंगा मैं इसे। अगर मैं इधर ले जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत? बच्चों मैंने क्या बताया था, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। और कहता क्या है इतिहास, कि ये इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बच्चों जरा देखो ये कहीं वही फॉर्मूला आ गया जिसको आप फॉर्मूला बोल बोल के रटते थे। तो बच्चों ये फॉर्मूला नहीं है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि कैसे हमें हमारा जो P&L अकाउंट होता था जो हमने 11th में पढ़ा था वो डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है 12th वाले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत क्यों आन पड़ी, और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि उसके डेबिट साइड में जो चीजें आती हैं वो डेबिट में ही क्यों आती हैं, क्रेडिट में जो आती हैं वो क्रेडिट में ही क्यों आती है। फिर उसके बाद मैंने आपको उन्हीं आइटम्स को लेके गया था बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में मैंने आपको उसका ट्रीटमेंट बताया था कि कैसे कैसे क्यों क्यों होता है। एक बार फिर रिपीट करने के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दे रहा हूं, जैसे क्या होता है कि कोई भी जो भी चीज हम पार्टनर को दे रहे हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए, जो प्रॉफिट हम पार्टनर को देंगे वो भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना है। क्यों जाना है मैं आपको बता ही चुका था कि नेट प्रॉफिट पहले हम ऐड करा करते थे कैपिटल में, वहां पर एक ही इंसान मालिक हुआ करता था, यहां अलग अलग मालिक है तो सभी के में ट्रीटमेंट होगा। अच्छा तो अब ये सब ट्रीटमेंट क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा अजीब सी बना दे रहा था बैलेंस शीट को, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पर घिचपिच ज्यादा हो रही थी। तो वहीं पर एक नया हमें एक चीज पता चली कि हमें एक और ऐसा अकाउंट बनाना पड़ेगा जहां पर हम इन सब पार्टनर्स की कैपिटल के साथ जो एडजस्टमेंट हो रही है उसका ट्रीटमेंट दिखा सके। तो यहीं पर हमारा एक कंसेप्ट निकल के आया जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट को डीपली समझते हैं। तो बच्चों ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी मैं आपको बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाया था। हम बिल्कुल भी अकाउंट्स में जो उसका फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही जैसे हमारा गुरुजी का तरीका है। वो क्या है, वो ये है कि मैं जो आपकी पास्ट नॉलेज है उसी में से कंसेप्ट को निकालूंगा, उसको एक फ्रेम दूंगा, फिर उसको मैच करूंगा उस फॉर्मेट से जिसको दुनिया रटती है, ज्यादातर लोग रटते हैं। ठीक है, तो एक एक करके समझेंगे कि हमने क्या सीखा था और कैसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बच्चों मैंने आपको जो भी कल को जहां पर मैंने आपको छोड़ा था वो था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया था कि यहां पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी आती है, और आपका कमीशन आता है, रिजर्व आता है, प्रॉफिट आता है ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर इधर P&L अकाउंट बोले तो नेट प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आती है, और इनकेस अगर बाई चांस चलो मान लेते हैं अभी फॉर्मेट बता रहा हूं इसलिए लॉस आता है तो लॉस भी हम लिख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों यही तो होता है, इसके अलावा तो हमने और कुछ नहीं पढ़ा। तो बच्चों अब देखो कैसे इसी अकाउंट से आपका मजे मजे में P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकल जाएगा, समझते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत क्यों आन पड़ी थी बच्चों, एक बार रिवाइज करेंगे अपने दिमाग में। शायद सर इसीलिए क्योंकि सर पार्टनर हो गए थे ज्यादा, पहले तो एक ही बंदा होता था, जब एक ही बंदा होता था सर तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब दो या दो से ज्यादा हो गए तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना होता है सर। बिल्कुल सही बात है। बच्चों एक बात बताओ कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज आर ऑलवेज क्रेडिटेड। आपको पता होगा इतिहास गवाह है, जब जब हमने किसी लाइबिलिटी का अकाउंट बनाया है तब तब हमने उसके बैलेंस को हमेशा क्रेडिट से शुरू करा है। कोई सा भी एग्जांपल ले लो जो आपका मन करे, क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हो बाई बैलेंस बीडी लिखते हो टू बैलेंस बीडी, याद करो डेप्रिशिएशन के चैप्टर में जब 11th में आपने पढ़ा था आप मशीनरी का अकाउंट बनाते लिखते थे टू बैलेंस बीडी, क्यों? क्योंकि वो असेट थी, असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड, तो इसका बैलेंस कहां से शुरू होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, लॉजिकल चलूंगा बच्चों, एक भी चीज हटाऊंगा नहीं, ध्यान रखना क्लासेस भले ही लंबी हो जाए, देखो मत देखो अलग चीज है, पर जितना बताऊंगा सब लॉजिकल होगा, इलॉजिकल कोई बात नहीं होगी, देखते हैं। अब मान लो कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, क्या एंट्री करेगा वो, कैश अकाउंट डेबिट टू, अपना नाम ए बी जो भी है कैपिटल,
यही करेगा, तो एंट्री यहां पर आ जाएगी क्या, कैश। इनकेस अगर मान लो बैंक से लेकर आ रहा है तो बैंक। इसी तरीके से मान लो किसी को अपनी कैपिटल कम करनी है, एडिशनल कैपिटल नहीं ला रहा है वो, अब उसको अपनी कैपिटल चाहिए वापस, निकाल के कहीं और लगाएगा, एक और बिजनेस खोला है, जो भी कर रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, फिलहाल वो अपनी कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है पैसा, कैपिटल में से। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल टू कैश। क्लियर? तो यहां पर क्या लिख देंगे, टू कैश, या फिर अगर मान लो बैंक के थ्रू कर रहा है तो टू बैंक। क्लियर? ये भी हो गया। अब इसके बाद ध्यान से सुनना, अब इसके बाद ये निपटने के बाद हमें इसी कैपिटल में याद करो क्या करा था, बैलेंस शीट में हमने बैलेंस शीट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करा था, क्योंकि वो हमें पार्टनर को देना था, पार्टनर की इनकम थी, इनकम जो है पार्टनर की कैपिटल में ऐड होगी, तो जाहिर सी बात है अगर ऐड हो रही है तो कैपिटल में ऐड होगी तो इधर ही आएगी। सुन लो फिर से, मैं किसी लॉजिक पे नहीं जा रहा हूं, मैं किसी चीज पे नहीं जा रहा हूं, मैं एक सिंपल सी बात सोच रहा हूं कि यार एक बात बताओ, ये 10 रुपए मेरे हैं, ये है देखो 10 रुपए, ये 10 रुपए मेरे हैं, कहां जाएंगे, मेरी जेब में है ना, ऐड हो रहे हैं ना, मेरी जेब में जो पैसे रखे हैं उसमें ऐड हो रहे हैं ना, ये रही जेब, ये रहे मेरी जेब के पैसे, इसी में ऐड होंगे तो और लिख देंगे, कितने ऐड हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं हमें क्या मतलब, और क्या ऐड हो रहा है, सैलरी, यहां लिख देंगे, और क्या ऐड हो रहा है, कमीशन, यहां लिख देंगे, और क्या ऐड हो रहा है, प्रॉफिट। तो बच्चों प्रॉफिट को कैसे लिखते हैं, बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, लॉस हो गया तो यहां लिख दो टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस, या ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग खर्चा है, याद करो खर्चा है, यहां क्यों लिख रहा हूं, ये सब यहीं तो माइनस होगा, अब माइनस अकाउंट में माइनस कैसे कर दूं, यही लिखूंगा तब अपने आप ही मान लिया जाएगा कि माइनस हो रहा है, इतना तो आप जानते ही हो, इतनी बच्चों वाली चीज बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग तो यहां लिखा नहीं है, वो क्यों लिख रहे हो, बच्चों बचपन में क्या पढ़ा था याद करो, ड्रॉइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ कैपिटल और इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कैपिटल की अमाउंट में से डिडक्ट होती है, तो कैपिटल की अमाउंट में से डिडक्ट होती है तो कैपिटल अकाउंट में आएगी, क्यों आएगी, अगर मान लो हम ये अकाउंट नहीं भी बनाते तो ड्रॉइंग को कैपिटल में से माइनस करते कि नहीं करते, सर आप कंफ्यूज कर रहे हो, एक बार आपने बताया कि उसे अपनी कैपिटल चाहिए, फिर आप कह रहे हो उसे ड्रॉइंग भी करनी है, बच्चों फर्क समझो, 10 लाख रुपए उसने लगाए, उसे लग रहा है 10 लाख रुपए लगाने की आवश्यकता नहीं है, और दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए, मैं खाली 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, उसने 5 लाख रुपए निकाल लिए, ये तो हो गई कैपिटल की ड्रॉइंग। एक उसे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी अपने बच्चों को घुमाने ले जाना था गोवा या कहीं भी, ठीक है मलेशिया ले जाना था, कहीं भी ले जाना था, उसे 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी, उन्होंने निकाल दी अपने इस्तेमाल के लिए या किसी भी चीज के लिए, मान लो उसको आटे का काम है, घर में आटा लेकर आ गया वो 10 रुपए का, 50 रुपए का, 1000 रुपए का, उससे मतलब नहीं है, ड्रॉइंग है पर्सनल। तो मतलब इस टाइप की कोई भी ड्रॉइंग करी तो वो क्या करेगी, कैपिटल की अमाउंट को कम करने का काम करेगी। ठीक है, तो अगर ऐसे अब आप सोच रहे होगे कि सर कैपिटल की ड्रॉइंग और इसकी ड्रॉइंग में फर्क नहीं समझ में आया, बच्चों फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही उसको कम करने का काम कर रही है, पर दोनों की एंट्री अलग अलग होगी। ड्रॉइंग को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और वो कैपिटल को लेकर आ रहा है कैश में तो उसको हम ऐसे लिखेंगे। पॉइंट क्लियर है? इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ध्यान रखना बच्चों, कभी भी इसका आंसर बाई बैलेंस बीडी नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपने गलती करी है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपका टू बैलेंस सीडी ही आएगा, जो कैपिटल आएगा, क्योंकि कभी भी आपकी माइनस में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। हाँ, एक चीज होती है करंट अकाउंट, ऐसी नाम सुन लो, किसी चिड़िया का नाम होता है, वो मैं आपको भी समझाऊंगा आगे, उसमें ऐसा हो सकता है माइनस प्लस, लेकिन इसमें नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हमेशा आपका टू बैलेंस सीडी ही आएगा। यहां पर ये खत्म हो गया, तो बच्चों आपको पता भी नहीं चला और आपने मजाक में सीख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं एक इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के लिए भी दे दूं जिनको लगता है कि सर इतना कंसेप्चुअली मत बताओ, आप तो हमें एक तरीका बता दो ऐसा कि जिससे हमें पता चल जाए कि कहां की चीज कहां आएगी। तो मैं उन बच्चों के लिए बता दूं, उन चेलों को भी मैं बड़ा पसंद करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कोई परेशानी नहीं है, आप उसके लिए भी एक तरीका है, जो भी यहां लिखा है क्रेडिट में उसे उठा के लिख देंगे डेबिट में, जो भी यहां लिखा है डेबिट में उसको उठा के लिख देंगे हम क्रेडिट में। केवल एक ही ऐसा आइटम है जो इस पूरे में नहीं आता लेकिन यहां आएगा, वो है ड्रॉइंग। मैं ऐसे रटाता हूं नहीं बच्चों, क्या करूं, तुम्हारे प्रेम के चक्कर में ऐसे मतलब आपको रटा दे रहा हूं, अदरवाइज मैं ऐसे बताता नहीं। ये तो हो गया वो कंसेप्ट जो एक्चुअल में बेस था। अब आपको बताता हूं थोड़ा वैसा कंसेप्ट जो आपके कोर्स में कवर है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप पॉज करके लिख लेना। बच्चों देखो क्या होता है, हमारी जो
कैपिटल होती है वो होती है मेरे बच्चों दो टाइप की। एक को बोलते हैं हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल। बच्चों एक बात बताओ, ये जो बोर्ड है फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है? फिक्स्ड है भैया, ऐसे क्या मतलब फिक्स्ड है और क्या उखाड़ दूं? उखाड़ने को दीवार भी उखाड़ दो, है ना। अच्छा ये जो टेबल है फिक्स्ड है फ्लक्चुएटिंग है? ये फ्लक्चुएटिंग है, इसे उठा के मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ। सर टेबल तो दिखाओ पहले। अरे टेबल मत देखो, लो स्टूल देख लो, ये देखो स्टूल, ठीक है कहीं भी ले जा सकता हूँ ना इसे उठा के, है ना। आप भी अपने घर ले जा सकते हो, आ जाओ ले जाओ, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि जो चीज फ्लक्चुएटिंग है उसके संग चेंजेस होते रहते हैं। ये स्टूल यहाँ नहीं पड़ा रहता, कभी आगे पड़ा रहता है, कभी उधर पड़ा रहता है, कभी इधर पड़ा रहता है, इसकी जो है जगह चेंज होती रहती है। लेकिन ऐसी इसी तरीके से मान लीजिए किताब है, ये कॉपी है, ये कॉपी भी यहाँ नहीं पड़ी रहती, ये जो है कहीं भी इधर से उधर भागती रहती है। ये टॉवल है मेरा, अब छोड़ो अब क्या क्या देखोगे, बहुत कुछ है, कॉफी का मग भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीजें क्या है कि फ्लक्चुएटिंग है, ये इधर से उधर जाती रहती है। तो जिनके संग हम चेंजेस कर सकते हैं आपको क्या लगता है उसके साथ क्या होना चाहिए? मतलब जिसके साथ भी हम चेंजेस कर सकते हैं शायद वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग होता होगा, इसीलिए उसका नाम फ्लक्चुएटिंग रखा जाता है। और इससे एक बात और समझ में आ रही है, अगर हम इसे पार्टनर्स कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से लें कि सर जो भी, अगर हम इसे अकाउंट के कंसेप्ट के उसमें लें कि सर जो भी पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, जो भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी उसमें हमें किसी भी प्रकार के चेंजेस अलग से करने की जरूरत नहीं है, हम उसी को उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं स्टूल को और अपना काम चला सकते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो इसी केस में क्या होता है कि हमारी जो कैपिटल का पूरा ट्रीटमेंट होता है, ये वाला पूरा ट्रीटमेंट, ये सब यहां हो जाता है। समझ में नहीं आया होगा, अभी आ जाएगा जब मैं फिक्स्ड समझाऊंगा आपको। बच्चों जब कैपिटल होती है फिक्स्ड तो अब हम उसमें कोई चेंज कर नहीं सकते, ये है। इसे हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लो ये बोर्ड मेरे को छोटा लग रहा है तो इसको बड़ा कर सकता हूं? हाँ सर, और लगा सकते हो बगल में, बिल्कुल सही बात है। तो वही समझाने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, शायद छोटा छोटा दिख रहा हो पर मैं बोल भी रहा हूं साथ में तो आप समझ सकते हो, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये भी आपका कैपिटल अकाउंट ही है होने को। तो इस बोर्ड के संग भले ही मैं इसे उठा के कहीं नहीं ले जा सकता, पर मैं इस बोर्ड को अगर बड़ा करना चाहूं तो मैं इसके बगल में एक और प्लाई लगा के इसे बड़ा कर सकता हूं बच्चों? यस और नो? बिल्कुल। तो पहले तो बाई बैलेंस बीडी, इसको बोर्ड को बड़ा करने को आप अकाउंट के कंसेप्ट में ले आओ, मतलब कैपिटल और ला रहा हूं। कैपिटल और लाने की एंट्री क्या थी? बाई कैश या बैंक। इसी तरीके से मैं इस बोर्ड को छोटा करना चाहता हूं, यहां से काट सकता हूं? नहीं काट सकता हूं। काट के मस्त एकदम प्लाई बंद करवा के उधर का पीस इधर लगवा के इसे बंद कर सकता हूं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? टू कैश या बैंक, मतलब विड्रॉल। जो भी मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं सब अकाउंटिंग पे लाते रहो तभी आपके समझ में आएगा। ये देखो ठीक। अब क्या मैं इसके अलावा और कोई चेंज कर सकता हूं इसके साथ? नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड है। बस हो गया ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट खत्म। अब इसमें तो हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते, तो क्या करें? जो मतलब हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, उसको छोड़ दें, पार्टनर को ना दें? देना है लेकिन यहां नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कैपिटल है फिक्स्ड, तो कैपिटल के संग हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसे कम और ज्यादा तो कर सकते हैं पर उसको कहीं और लेके नहीं जा सकते। क्यों? ये वो उस बोर्ड की तरह है, ये उस दीवार की तरह है जिसपे बोर्ड लगा है, ठीक है, उसे हम नहीं लेके जा सकते। पॉइंट समझ में आ गया? अब अगर सर हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो एक बनाना पड़ता है इसके लिए करंट अकाउंट। क्या बनाना पड़ता है? करंट अकाउंट। तो यहां पर आप जो चाहो चेंज कर सकते हो। जो मैं आपसे याद करो अभी बता रहा था आपको कि इसमें डेबिट का भी बैलेंस हो सकता है क्रेडिट का, वो यही है ये भी कैपिटल अकाउंट। इसका भी जो है यहां होगा बाई बैलेंस बीडी ही, पर हो सकता है बच्चों ये हो सकता है आपको छोटा दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं। एक काम करते हैं, इसको करंट अकाउंट मान लो, या चलो इधर बता देते हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, फिर यहां बता देता हूं करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्या कर सकते हैं? जैसे हम यहां पर ले लेंगे बाई बैलेंस बीडी, सेम वही है। आपको ये बैलेंसेस किस तरीके से दिए होंगे मैं आपको ये भी समझा देता हूं। ऐसे दी होगी आपको बैलेंस शीट और लाइबिलिटी साइड में लिखा होगा, यहां लिखा होगा कैपिटल अकाउंट ए और बी का 2 लाख 1 लाख, करंट अकाउंट ए का 3 लाख, करंट अकाउंट बी का 2 लाख मान लो, या क्या मान लो, चलो 1.5 लाख मान लेता हूं,
ठीक है बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट दिया होगा 2,01,00,000, तो हम यहां पर लिख देंगे 2,01,00,000। पॉइंट समझ में आ रहा होगा। यहां दिया होगा आपको करंट अकाउंट में ए का 3,00,000, तो 3,00,000 तो आ जाएगा यहां, क्योंकि ये ए और बी का है, 3,00,000 आ जाएगा यहां, यहां आ जाएगा डैश। क्यों आ जाएगा डैश? क्योंकि देखो इसका असेट साइड लिखा है, एंड असेट्स आर ऑलवेज डेबिटेड। एग्जैक्टली, तो यहां पर आ जाएगा क्या, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहां डैश हो जाएगा, यहां आ जाएगा कितना 1.5 लाख। ये मैं आपको केवल एक वैसे समझा रहा हूं, मतलब एक एज्यूम करके, आप कुछ भी मान सकते हो, 1.5 करोड़ मान लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, तो पॉइंट क्या है कि इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या है, अब वही टेप पे जाओ, अब हमें क्या करना है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये, मतलब ये बैलेंस, ये तो हमने हटा के इधर कर दिया, जितना भी ये पार्ट बचा है, ये वाला, ये जितना भी पार्ट बचा है ये वाला, वो सब इधर आ जाएगा। कैसे, मैं लिख के बता देता हूं पूरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व नहीं आएगा, रिजर्व क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जाएगा। P&L ये आएगा यहां पर भी, लेकिन अलग तरीके, इसमें नहीं आएगा फिलहाल, ये पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन के केस में नहीं आएगा, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता पार्टनर्स के बीच में, अदरवाइज हम P&L एप्रोप्रिएशन में उसको कर देते। ठीक है, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन आ गया, इधर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। बच्चों एक खास बात और सुनो, जब यहां पर बैलेंस इसके दोनों तरफ हो सकते हैं, तो क्या नीचे बैलेंस दोनों तरफ नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो यहां पर आपका टू बैलेंस CD भी आ सकता है और बाई बैलेंस CD भी आ सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आएगा किसके केस में, करंट अकाउंट के केस में, कैपिटल अकाउंट में तो कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता। सर पंडित हो क्या? नहीं भैया, बनिया हूं, थोड़े भारी वर्ड कभी कभी आ जाते हैं, आजकल रामायण देख रहा हूं ना। तो बच्चों ये बात आपको समझ लेनी होगी कि करंट अकाउंट जो है, करंट अकाउंट में आपके बैलेंसेस क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों जगह आ सकते हैं, लेकिन अगर बात करूं मैं कैपिटल अकाउंट की, तो यहां, चाहे यहां की बात करूं चाहे यहां की, यहां हमेशा आपको एक ही चीज मिलेगी, टू बैलेंस CD, टू बैलेंस CD, चाहे फिक्स के करो चाहे फ्लक्चुएटिंग के करो, डजंट मैटर। और ये जो मैंने बनाया है ये पूरा फ्लक्चुएटिंग है, बिल्कुल भी इसको अलग मत समझना, फ्लक्चुएटिंग का है ये। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट हो रही है ना, तो मैं जो चेंजेस है वो कैपिटल में कर सकता हूं, इसीलिए ऐसा करा जा रहा है। ये बात समझ में आ गई आपके, एकदम क्लियर हो गई होगी। अब एक आखिरी बात जो आपको बतानी है वो ये, ध्यान से सुनना, अगर मान लो आपको कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं दिया है, वेदर द कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, और क्वेश्चन में केवल कैपिटल दिए, क्या करोगे? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100? नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि इनकेस अगर आपको ऐसा नहीं दिया कि कैपिटल कौन सी है, तो यू ऑलवेज एज्यूम इट फ्लक्चुएटिंग, एज्यूम लिखा बेटा वो, ठीक है? तो आप ये एज्यूम कर लोगे कि वो कौन सी है, फ्लक्चुएटिंग। ये क्लियर हो गया? कभी भी नीचे नोट मत डालना, सीधे फ्लक्चुएटिंग लेना और इस तरीके से पूरा अकाउंट बना देना, मतलब अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। और सुन लो, क्वेश्चन में या तो लिखा होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है, इन केस अगर वो फिक्स्ड बनाने को कह रहा होगा, या तो लिखा होगा कैपिटल फिक्स्ड है, या फिर आपको बैलेंस शीट में इस तरीके से करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होंगे। ऐसे नहीं दिए होंगे तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि करंट अकाउंट बैलेंसेस इज इतना इतना इतना, तो उसको देखकर भी आप समझ जाओगे कि जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, फ्लक्चुएटिंग नहीं है। अब बच्चों इसी से रिलेटेड आपको बस एक छोटा सा कंसेप्ट और बताना है, हालांकि वो कंसेप्ट मैं आपको बोलूं तो शायद, जहां तक शायद क्या मतलब समझ लो, एग्जाम्स में आता ही नहीं है, पर फिर भी मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि वो आपके कोर्स का ही पार्ट है, तो फटाफट आप पहले से लिख लो, है ना? साथ में मैं आशा कर रहा हूं कि कोई भी बच्चा नहीं लिख रहा होगा, और लिख रहे हो तो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है कि आप जब मैं समझा रहा होता हूं तो आप बिल्कुल ना लिखे, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं लिखने का। इनकेस आप कह रहे हो कि सर लिखे भी कहां से, आप इतना छोटा लिख दे रहे हो, टेंशन मत लो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तब, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है और आप मुझे बताओ। अभी तक फिलहाल मेरे पास ऐसी किसी बच्चे की कंप्लेंट नहीं आई है, सब ये कह रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया चल रही है वीडियो, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया नोट्स बन रहे हैं, और बच्चे नोट्स भेज भी रहे, टेलीग्राम के ग्रुप में अगर आप जाओगे तो देखने को मिलेगा आपको। तो ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब समझते हैं कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड आखिरी टॉपिक जो मैं आपको बताना चाह रहा था, उसको बताने के दो रीजन थे, आप समझ जाओगे। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि क्वेश्चन हमको इस तरीके से दिया होता है, जैसे कुछ भी मान लेते हैं, ए और बी हैं, उनकी कैपिटल दी है 31 मार्च 2020, ऐसा लिखा होगा, उनकी कैपिटल दी है लेट्स से 3,00,000-2,00,000 मान लें, कुछ भी मान लो, वैसे मानने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 बन दिया है, फिर बोल रहा है जो प्रॉफिट्स हैं या प्रॉफिट्स थे वो है, मान के चलिए 90,000 मान लो, चलो क्या जाता है, कुछ भी मान लो, ठीक है? इसके बाद कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर है ना, मैं
बोल रहा है जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो ए की और बी की अलग अलग है, ए की है 30,000 रुपये मान लें, क्या माने चलो 40 मान लेते हैं एडो, और इसकी 20 मान लो। इस तरीके से क्वेश्चन दिया है और नीचे बोल रहा है कि कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है। अब बच्चा कहता है कि यार क्या बेवकूफ समझाएगा क्वेश्चन वालों ने हमको या जैसे बोर्ड वालों ने, कैसा ये गिरा हुआ सवाल दे रहे हैं, ये कोई सवाल है? लो 10% निकालना है, 30,000 20,000 लो हो गया। तो बच्चों यही कर देते हैं हम हीरोपंती में गलती, क्यों? एक चीज याद रखना, बता दे रहा हूं बड़ी ध्यान से लिख लो, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। बच्चों ये नोट लिख लो दिमाग में, कॉपी में तो लिख ही लेना, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। लॉजिक समझ में आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो जरा जाओ पास्ट में और ध्यान लगाओ, मैंने बैलेंस शीट में ऊपर कैपिटल लिखी थी, उसके बाद हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर रहे थे। भैया वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया कहां से, जब वो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास थी तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के हम लोग क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे। लेकिन अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल ही पहले दे दी होगी और हमसे कहेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, तो उसके लिए पहले हमको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। तो सर आपने तो ये बताया ही नहीं है, आपने तो ये बताया कि ओपनिंग कैपिटल से कैसे जो है हमको क्लोजिंग कैपिटल की तरफ जाना है, आपने तो हमको सर ये बताया ही नहीं, गलत बात है कि क्लोजिंग कैपिटल से कैसे ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाएंगे। तो बच्चों एक बात सोचो, यहां से यहां कैसे आए हम, प्लस करा ये माइनस करा तभी आए, वापस जाने के लिए क्या करेंगे? जिसको माइनस करा उसे प्लस कर देंगे और जिसे प्लस करा उसे, इसे तो छोड़ ही दो, इसे तो हटा ही दो, माइनस कर देंगे। अगर हम ऐसा कर दें, देखो अगर हम ऐसा कर दें तो ये पालेंगे या नहीं पालेंगे, और जैसे ही हमारा ये ओपनिंग कैपिटल आ गया उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा होगा? तो दो रीजन थे बताने के, एक तो ये और एक ये बताना कि इस टाइप के क्वेश्चन होते कैसे हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है पेपर में, पर हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, हमें हमारे हर कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और गुरुजी वैसे भी हर कंसेप्ट को कवर करके चलते हैं। समझते हैं बच्चों कि इसे हम कैसे करेंगे। आइए तो बच्चों सबसे पहले तो आप इसमें लिख देना ऊपर, मैं ऐसी बता दे रहा हूं कि स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो आप लिख ही देंगे है ना। मैं आपको मेन चीज बताता हूं, यहां पर आप लिख देंगे ऐसे पर्टिकुलर्स ए बी, बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एट दी एंड कितनी है बच्चों, क्योंकि हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, बिना ओपनिंग कैपिटल के कुछ होगा नहीं। 3,00,000 और 2,00,000। बच्चों एक बात बताओ, जो प्रॉफिट्स होते हैं प्रॉफिट्स, हम उनको यहां पर क्या करते थे? प्लस करते थे, ओपनिंग कैपिटल प्लस करते थे, पर क्लोजिंग कैपिटल से अगर हम ओपनिंग कैपिटल पे जा रहे हैं अब क्या करना पड़ेगा? माइनस, उल्टा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो 10 + 2 + 3 - 4 कितना होता है? 11। तो अगर मान लीजिए मैं 11 में प्लस कर दूं 4, 15, माइनस कर दूं ये कितना हो गया 12, माइनस कर दूं ये 2 कितना हो गया 10। तो कहने का मतलब ऐसे भी 10 आ रहा है, यहां से उल्टा चलो ऐसे 10 आ रहा है, 11 + 4 - 3 - 2 और ऐसे चलो तो देखो 11 आ रहा है। तो कंसेप्ट सेम है, बस ये कि अभी उल्टा चलना है। तो यहां माइनस प्लस करते थे, अब माइनस कर देंगे, तो यहां कर देंगे माइनस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कितने थे? 90,000। 90,000 2:1 कितना आता है? निकालना आता है, बता देता हूं चलो ये भी 90,000 कितना है? 2 + 1 2 + 1 3 तीन टुकड़े है ना, समझते हैं इसको बड़ा आसान भाषा में समझाने का तरीका है। कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े इसके पास, 1 टुकड़ा इसके पास है ना। टोटल कितने टुकड़े हैं? 3/3। तीसरे 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े किसके पास है? ए के पास (2). 1 टुकड़ा किसके पास है? बी के पास (1). तो 60,000 और 30,000 निकाल लेना, आ जाएगा। माइनस कर दिया। कितने बच्चों को तो रेशियो निकालना नहीं आता, कोई बात नहीं सीख लो, गुरुजी सिखा रहे हैं। 2,40,000 इधर आ जाएगा, 1,70,000। चलो ये भी निपट गया, ये भी निपट गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस करते थे, अब क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कितना है? 40,000 और कितना है? 20,000। बच्चों कितना आ गया?
अब जो आया हमारा वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल, या कैपिटल एट द बिगनिंग भी कह सकते हो आप इसे, बता दे रहा हूं, ये मत सोचना कि सर नहीं बता रहे, कैपिटल एट द बिगनिंग भी कह सकते हो, 280,000, यहां कितना आ जाएगा 190,000। बच्चों मैंने क्या लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल, निकाल लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पा, कितना आएगा 28,000 रुपए, 28,000, यहां कितना आएगा 19,000, ये बंद हो गया। क्लियर हो गया बच्चों, लिख लीजिए फिर बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं पर मैं इसी कंसेप्ट के साथ समाप्त करता हूं। यहां पर मैंने आपको पूरा पार्टनर्स कैपिटल का ढंग से ट्रीटमेंट, कैसे क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसके कंसेप्ट है, सब कुछ बता दिया है। और आप लोग मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हो तो लास्ट तक देखने वालों के लिए गुरुजी का एक ज्ञान, एक बात बताना चाहता हूं आपको। देखो बच्चों जितनी भी कंसेप्ट हम लोग कवर कर रहे हैं ना यहां पर, मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, कोई भी टीचर जहां आपका मन करे, जिस YouTube जहां आप पढ़ना चाहो, आप एक बार पढ़ के देखना, मैं चाहता हूं कि आप पढ़ के देखें ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि ऐसी कौन सी चीजें जो निखिल गुरुजी दे रहे हैं और लोग नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अच्छा पढ़ाता है या कोई बेकार पढ़ाता है, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से कंसेप्ट डिलीवर यहां से होगा, वो कंसेप्ट डिलीवर आपको कहीं पर, वो डिलीवरी कहीं मिल ही नहीं पाएगी, ये बात की गारंटी है। कुछ रिसोर्सेज की हल्की फुल्की सी कमी है, अगर आपको कुछ लाइटिंग या कुछ बोर्ड वोर्ड ये सब दिखता है तो ये सब कमियां टेम्परेरी हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ दूर होता चले जाएगा, लेकिन एक चीज हमेशा यहां पर साथ रहेगी, वो है हमारा रिलेशन, वो कभी कम नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पे भरोसा रखें, मैं बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों के संग क्रिएट करने वाला हूं, ये बात आप जान लो, शुरू से बोलते हुए आ रहा हूं। और मैं आपको एक अपनी खास बात बता दूं, तारीफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट एक बात बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं जो मैंने बच्चों से के मुंह से सुना है। देखो बच्चों बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इधर, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं इधर वाली, आपने देखा होगा कि मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपको कराता हूं, जितनी भी चीजें मैं आपको यहां पर समझाता हूं, वो सब बहुत डेप्थ में जाकर समझाता हूं। तो आप सोचते होंगे कि सर इतनी थ्योरी क्यों, मतलब इतनी थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों सर इतना डीप में जाके पढ़ा रहे हैं जब वो ऊपर ऊपर से हो सकता है। बच्चों ये सब मैं कर रहा हूं तो ये सब मेरे को मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को फीडबैक मिलता है, उसके बेस पे कर रहा हूं। मेरे बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर हम सीए का एंट्रेंस हमने पेपर दिया तो अकाउंट्स में हमें ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ी, मुश्किल से हमने 30% मेहनत करी होगी और हमारे मार्क्स बहुत अच्छा है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। बीकॉम वाले बच्चे कहते हैं कि सर सेकंड ईयर तक तो हमने अकाउंट्स से जरा सा भी डर नहीं लगा, हालांकि लगा उसके बाद भी नहीं, पर सेकंड ईयर तक हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, आपने इतनी अच्छी तरीके से डीपली कॉन्सेप्ट्स हमें समझा दिए थे कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम जो है मेहनत करें अकाउंट्स में। तो बच्चों ये यहां पर यही काम चल रहा है, मेरे को आपको केवल 12th के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, आपकी आने वाली लाइफ तक के लिए प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए मेरा आप लोगों के साथ मेहनत करना बहुत जरूरी है, हर एक कंसेप्ट को कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं जो आपके अभी काम आएंगे और कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं कि जो इसके बाद काम आएंगे, लेकिन बुनियाद उसकी अभी बनाना बहुत जरूरी है, तभी आगे मकान बन पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो के 5-6 मिनट आपको केवल आपके बेसिक्स को मजबूत करने के लिए देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोग इतने, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूं लेकिन है, आप इतने ढीठ या कह लो यार मैं क्या बोलूं, मक्कार कह लो या आलसी हो, सब नहीं, काफी हद तक 80% कि आप 11th में जाके अपने कंसेप्ट मजबूत नहीं करोगे, तो वहां पर मेरे जैसा टीचर चाहिए जो आपके 12th के कंसेप्ट के साथ 11th के कंसेप्ट मजबूत करे। इसीलिए मैं आपको देता हूं एक क्वेश्चन, तो इतना सब मैंने इसीलिए मोटिवेट करा, इतना सब मैंने आपको इसलिए समझाया कि अब मैं देने वाला हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हालांकि आप लोग कमेंट में जवाब देते नहीं हो, पर मैं चाहता हूं कि आप जवाब दो, क्योंकि जब तक हमारा रिलेशन स्ट्रांग नहीं होगा, हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक हम मिलकर कभी भी रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, केवल बातें रह जाएंगी। तो बच्चों आज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेन एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट और गेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर आप लोग भर भर के दो कमेंट्स में, अगर आपको पता है जरूर देना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट पढ़ता हूं, और अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा आपका दोस्त है, कोई भी परेशान हो रहा है अकाउंट्स के लिए कि कैसे करें, एक बार उससे बोलना कि लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखे, और अगर सच में अच्छी नहीं लगती है तो कमेंट लिख डिसलाइक करे और कमेंट लिखे गंदे गंदे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो कमेंट लिख रहा है, इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि मैं उस चीज को चेंज करूं। मैं ये बता दूं कुछ अगर उसमें पॉइंट का होगा कुछ, क्योंकि कुछ लोग अपना क्या बोलेंगे मजे लेने के लिए, या अपने भड़ास तो खैर किसी से है ही नहीं, लेकिन हाँ मजे लेने के लिए इस टाइप से करने के लिए उल्टे सीधे कमेंट लिख देते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं करा जा सकता, लेकिन अगर मतलब लॉजिकली उसमें कुछ कमेंट ऐसा होगा कि हाँ मुझे लगेगा कि अगर मैं इसको कर लेता हूं तो मेरे लिए अच्छा है, तो मैं उसको बदलूंगा, अपनी आदत को बदलूंगा जरूर, तो आप जरूर बताइए अगर यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है मेरे साथ जुड़ने में, ठीक है। तो बच्चों इसका जवाब दीजिए, मैं करूंगा आपके जवाब का इंतजार। जय हिंद।